हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अश्मी में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। अभी मैं लेटेस्ट जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ मल्टीमीटर से ही सारे कंपोनेंट्स को चेक करने का बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। और मैं दोस्तों काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, जटिल ना हो, वो मैं जितनी आसानी से बताया जा सके। ये नहीं कि मैं कोई पेपर पे डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ाने लगूं, वैसी हिसाब किताब मैं चाहता हूं कि ना हो, एक सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊंगा कि किस तरह से मल्टीमीटर से आप एक अच्छे कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं और ठीक और ख़राब कैपेसिटर में आप फ़र्क कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये बोर्ड है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये बोर्ड है, इसमें ये दो कैपेसिटर उड़ चुके हैं, ये फिजिकली ही डैमेज है। जैसा कि आप देखिए, ये फिजिकली ही डैमेज हो चुका है। ये दो कैपेसिटर है, इसमें एक तो उड़ के इसके अंदर का सब सामान बाहर आ गया है और एक ये भी लीक कर गया है। बगल में 680 UF का कैपेसिटर है, बाकी इसमें एक कैपेसिटर है जो अच्छा है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ये एक एडेप्टर है आपको लैपटॉप का, तो उसी का ये बोर्ड है। तो मैं इसी में आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कैपेसिटर को एक्चुअली कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीमीटर से कि ये जो डायोड वाला यहाँ पे साइन है, कनेक्टिंग का जो साइन होता है यहाँ पे कंटिन्यूटी का, ये देखिए, ये कंटिन्यूटी के साइन पर आपको कर लेना है। कंटिन्यूटी के साइन का खासियत होता है कि इसमें खासियत रहता है दोस्तों कि जब आप इसका दोनों जो प्रोब है इसको आप सटाइएगा तो इस तरह से आवाज़ आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैपेसिटर का काम क्या होता है। कैपेसिटर का काम होता है कि करंट जो हम लोग देते हैं उस करंट में इस तरह से फ्लक्चुएशन होते रहता है जो हम लोग को नॉर्मल तौर पे पता नहीं चलता है। उस फ्लक्चुएशन को वो फिल्टर कर देता है, मतलब स्मूथ बना देता है। जो इस तरीके से जो लाइन जा रही है जिगजैग में, वो लंबे होकर जाएगी अगर उसको हम लोग देखेंगे तो उसी को स्मूथ बनाने का काम करता है कैपेसिटर, जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं कई बार। तो चलिए चेक करते हैं कैपेसिटर को। जब भी क्यों आप एक अच्छा कैपेसिटर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप ये दोनों प्रोब्स उसमें सटाएंगे, ये इसका देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसका ये दोनों पिछला हिस्सा रहा, इस वाले कैपेसिटर का ये दोनों है, इस दोनों पर हम लोग सटाएंगे तो पता चल जाएगा। चलिए सटा के देखते हैं। तो आप यहाँ रीडिंग देखिएगा क्या होगा कि आपको एक रीडिंग आएगी और चली जाएगी। देखिए दिखाता हूँ, देखिए रीडिंग आई, वैसे इस पर भी लगाते हैं रीडिंग आ रही है, लेकिन वही जब हम अपना ये खराब वाले कैपेसिटर में लगाएंगे तो इसमें रीडिंग नहीं आएगी, कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये देखिए, इसका मतलब ही इस कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये हम लोग लगा रहे हैं तो इसमें ये कंटिन्यूटी आ जा रही है, इसका मतलब बीच में ये सट गया है और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। मैं आपको कुछ अच्छे कैपेसिटर्स भी दिखाता हूँ, ये कुछ न्यू कैपेसिटर्स है। ये आपको 63 वोल्ट का 10,000 UF का माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, ये 50 वोल्ट का 100 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, और ये 63 वोल्ट का 63 वोल्ट का 1 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है। इस पर भी हम लोग जब चेक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। आप देखिए, सबसे पहले ये 63 वाले को चेक करके बताता हूँ। ये सब न्यू कैपेसिटर्स हैं, याद रहे, तो इसको चेक करके देखते हैं कि क्या इसमें रीडिंग दिखाता है। ये देखिए, ये रीडिंग देख रहे हैं आप, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कैपेसिटर का क्या नेचर होता है, ये करंट को पहले अपने आप में एब्जॉर्ब करता है और जब इसमें करंट पूरा भर जाता है तो उसको फिल्टर करके एक स्मूथ वे में आगे भेजता है। ये कैपेसिटर ठीक है। और ये कैपेसिटर में क्या हुआ है कि ये अब वोल्टेज स्टोर नहीं कर पा रहा और इसके अंदर के जो टर्मिनल्स हैं डायरेक्ट हो गए हैं, जो इनके बीच में कुछ मटेरियल भरा रहता है और बहुत तरह का मटेरियल होता है, उसके लिए मैं कैपेसिटर के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि कैपेसिटर्स को कैसे हम लोग चेक करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज वाले आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।